हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक और टॉपिक लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। रजास एंटरटेनमेंट में आप लोगों को वेलकम करते हैं और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं, किसी काम को जो है हाथ नहीं लगाते और माँ बाप उनके परेशान हुए हैं कि बच्चे कुछ काम नहीं करते। उनके लिए मैं आसान सा वर्क लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है। मोबाइलों में जो लोग 24 घंटे लगे रहते हैं और अपना जो है पबजी खेल रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, उसके अलावा मूवीज़ देख रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, एवरीथिंग आप लोगों ने क्या करना है कि बहुत आसानी से जो है मैं आप लोगों को आसान तरीके बताने वाला हूँ। आपने यही करना है कि अपने बच्चों के मोबाइल में आप लोगों ने जो है स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेना है और आप लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बना लेना है। चैनल किसी भी टॉपिक पे आप बना लीजिए, कोई एक टॉपिक होना चाहिए। आपको बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता है और जिस चीज़ को ज़्यादा वो फॉलो करता है और जिस चीज़ पर वो लगा रहता है 24 घंटे, आपने सिर्फ उस चीज़ को देखना है और आपने अपने बच्चे को जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करके देना है और यूट्यूब पे आपने उसे अकाउंट बना के दे देना है। और अकाउंट किस तरीके से बनेगा वो भी बहुत आसान है। अक्सर मोबाइलों में अकाउंट बने हुए होते हैं, सिर्फ उसमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है। चैनल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कुछ मिनटों की बात होती है, उसके बाद चैनल क्रिएट हो जाता है। एडसन के अकाउंट के साथ उसको जो है लिंक कर दिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर उसमें जो है ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से आप आराम से अकाउंट बना सकते हैं। आप लोगों के बच्चे जो भी मोबाइलों में लगे रहते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, SMS कर रहे होते हैं, भले वो WhatsApp पे हो या बातचीत हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ की वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा सामने नहीं आना चाहता या वो इस तरह का नहीं है तो अपनी आवाज़ भी डाल सकता है। आवाज़ ना भी डाले तो वो सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है सामने दिखा सकता है कि टाइपिंग करते हुए किस तरीके से जो है ये चल रहा है। चैनल बनाना बहुत ही आसान होता है, चैनल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से माँ बाप जो है ना इस वजह से तंग होते हैं कि उनके बच्चे कुछ काम नहीं करते, तो इस वजह से जो है ये काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और घर में बैठे हुए हो जाएगा। ऐसा कोई घर मेरे ख्याल से नहीं होगा कि जिस घर में नेट ना हो और जिस घर में मोबाइल ना हो। चले मोबाइल अगर हो भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी मोबाइल हो, आप सिंपल से मोबाइल के अंदर भी जो है स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने किसी भी चीज़ की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से आप कुछ भी कर रहे हैं, A to Z आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। बआसानी जो है आप वीडियो बना के जो है यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब आराम से पैसा दे देता है, इतना भी आराम से नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको बच्चा मेहनत कर लेगा अगर वो कुछ नहीं करता, क्योंकि ये उसके लिए भी और आपके लिए भी फायदेमंद है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब होती है कि गवर्नमेंट जॉब एंड होने के बाद या ख़त्म होने के बाद पेंशन मिल रही होती है, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से एक बार बना दिया बस ख़त्म, उसके बाद जो है उस पर डेली कंटेंट जो है ना आप उसमें अपलोड करते रहें और इसी तरीके से फिर जो है आपका आफ्टर लाइफ भी जो है या आपका कंटेंट चलता रहेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी बोलेंगे ये यार वाकई में कोई चीज़ दे के चले गए हमारे बड़े हम लोगों को। तो इस चीज़ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसके साथ जुड़ें, यूट्यूब के साथ जुड़ें, यूट्यूब के सब वीडियोज़ बनाएं, यूट्यूब को जो है ना इसको पढ़ें, इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग जो है ना पढ़ें। नीचे मैं सब कुछ मैंशन कर दूँगा, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोगों के लिए बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को मारे नहीं, बच्चों को बाहर भेजें नहीं, इतनी ख्वारी उनसे मत करवाएं कि वो बसों में, रक्षों में और अपना बाइकों पे और बाहर रोडों पे जो है इस तरीके से ख्वारी करें। जो अगर ये बाहर खेलने जा रहे हैं बच्चे, फुटबॉल भी अगर खेलने जा रहे हैं, तो उन्हें बोलो यार अपना मोबाइल साथ लेके चले जाओ। और जो फुटबॉल आप लोग खेल रहे हो किसी भी एक दोस्त को अपने पकड़ा दो, वैसे भी काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बैठ के सिर्फ वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो बेहतर है कि वो कैमरे की आंख से क्यों ना देखें। अगर वो कैमरे की आंख से देखेंगे तो इससे जो है आप लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है और जो बना रहे हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। और आप लोगों के पास ही पैसे आने हैं, आप लोगों ने ही कमाना है, भले मेहनत आपके बच्चे करें लेकिन आप लोगों को भी मिलना है, आपके बच्चे को भी मिलना है, उसके भी मुस्तकबिल के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़। पढ़ाई में अगर दिलचस्प नहीं है और अगर पढ़ाई में भी वो दिल लगाता है तो आप लोग उसकी जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई की भी वीडियो बना के जो है ना डाल सकता है। यूट्यूब पर हर चीज़ की वीडियो बनाई जा सकती है, हर टॉपिक की वीडियो बना सकती है। बस एक मेन टॉपिक आपने पकड़ के आपके बच्चे को दिलचस्पी उसमें लगा दीजिए, उसको पूरे साल लगा रहे, एक साल बाद तो रिजल्ट आएगा, 365 वीडियो के बाद तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा, कुछ तो पेमेंट आएगी, कुछ तो आपका चलेगा, उसके बाद आपका जो है रेगुलर चलने लग जाएगा। जब ये रेगुलर चलने लग जाएगा तो फिर आपकी लाइफ बेटर होने लग जाएगी। और बच्चों के साथ साथ आप लोग भी जो है ना जो भी खाना वाना बनाते हैं आप लोग उसकी भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप उठ रहे हैं, किस टाइम पे आप सो रहे हैं, आप व्लॉग्स भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से आप लोग जो है ना काफ़ी सारे ऐसे काम कर सकते हैं आम रूटीन में अपने घर में करते हैं, इसमें कोई टेंशन किसी भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस कैमरा आपके हाथ में है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, सिर्फ उसमें वीडियो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ये मत सोचेंगे लोग क्या कहते हैं, लोगों का तो काम ही है कहना, लोगों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लोगों की तो आप बात ही मत कीजिए। आप सब अपना फोकस जो है ना अपना देखें कि आपने क्या करना है, आपने कैसा पैसा कमाना है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपने कैसे खुद को बनाना है और आपने कैसे जो है आगे तरक्की करनी है। सिर्फ अपने पे फोकस रखें, अपने बच्चों पे फोकस रखें और आप आसानी जो है ना घर में बैठी हुई लेडीज़ ये काम कर सकती हैं अपने मोबाइल से। हर एक लेडीज़ के पास मोबाइल होता है, भले कोई अच्छा कैमरा नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है उसमें, आप लोग उसमें एडिटिंग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं और एडिटिंग करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। मोबाइल के कैमरे के अंदर ही जो है ना एडिटिंग का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से भी जो है एडिटिंग करके बहुत आसानी से अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं कैसा प्रॉब्लम के बगैर।
इसके अलावा जो है आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चे आपके स्कूल से आते हैं तो आप वो भी वीडियो बना सकते हैं। बच्चा इस टाइम पे स्कूल से आ चुका है और स्कूल इस टाइम पे स्कूल जा रहा है और नाश्ते में उसने ये खाया है और नाश्ते में वो ये खा रहा है, इतने पैसा लेके गया है वो चीज़ के लिए, इतने पैसे वो पेंसिल के लिए लेके गया है कि वहाँ से पेंसिल लेगा और वहाँ से बुक खरीदेगा, वहाँ से ये खरीदेगा, वहाँ से ये खरीदेगा, फलां जगह से ये, फलां जगह से ये। इस तरीके से भी आप लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आसानी आप लोग काफ़ी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। इसमें किसी किसी की प्रॉब्लम की बात नहीं, YouTube पे अकाउंट बनाना नहीं आता कोई मसला नहीं है आप लोगों के पास। YouTube ऐड होगी, YouTube पे जाके सिर्फ टोटल पे सर्च करेंगे आप लोग तो आप लोगों के पास जो है ना YouTube में क्रिएट अकाउंट टोटल आ जाएगा और उसमें आप आसानी से जो है ना YouTube का अकाउंट बना सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। हर इंसान के पास जो है बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो बैंक अकाउंट से उसको अटैच कर सकता है। आप लोग बाहर कहीं भी जा रही हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं, घर से निकलने से पहले पहले तक की वीडियो आप बना सकते हैं, उसके बाद की भले वीडियो मत बनाएं, आप सिर्फ वो वीडियो बना के जो है पोस्ट कर दीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, आप लोगों को उससे भी जो है ना अर्निंग आने लग जाएगी। ये टाइम टू टाइम अर्निंग आएगी, रिवर्स चलता रहता है ये। आप अभी अपलोड करेंगे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अभी पेमेंट आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद जब आने लगेगी तो फिर आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और सारी प्रॉब्लमें आपकी हल हो जाएगी। अपने बच्चों को इतना ज़्यादा जो है ना तंग मत कीजिए, मेहरबानी फरमा के जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा तंग मत कीजिए। अगर वो जिस चीज़ में उनका दिल लगता है बस उस चीज़ में उनका दिल लगे रहने दीजिए। बस आपने सिर्फ क्या करना है कि उस कैमरे को ऑन कर देना है उसके, या तो फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी हो, जो करता है करता रहे, उसको फिर अपलोड कर दे डाल के, रात के एंड में जाके जो है वीडियो एडिट कर ले। एक दिन में एक वीडियो एडिट करना और बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से बन जाती है, आसानी से सारा काम हो जाता है। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा जो है फोकस रखना पड़ता है उसको, जिस चीज़ में करे, पबजी खेलता है वो पबजी खेले, फ्री फायर खेलता है वो फ्री फायर खेले, लूडो खेलता है लूडो खेले, वो जो दिल करे उसका वो खेले, जो दिल करे वो करे, बस उसकी वीडियो बना के जो है अपलोड करता रहे। रोज खेलता है तो फिर रोज अपलोड करता रहे। आप लोग उसको तंग मत करें, आप लोग उसको ये मत बोले कि बेटा जा जाके बाहर जाके काम कर, नौकरी वगैरह में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोगों का दिल दुखा हो तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी इन जिस बातों पे जो है ना थोड़ा सा गौर ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है चीज़ पे ज़रूर लेकर आइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रज़ास एंटरटेनमेंट को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हम दोबारा आएंगे और मोटिवेशनल वीडियोस हम लेकर ज़रूर आते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो है आज ही से स्टार्ट कर लेना है, मेरी वीडियो देखते ही फ़ौरन आपने स्टार्ट कर लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।